हेलो एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नया। कीमा में हम आलू की जगह फूल गोभी डालेंगे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तीन प्याज को मैंने काट लिया है। खड़े मसालों में हम डालेंगे दो तेज़पत्ता, दो दालचीनी का टुकड़ा, तीन छोटी इलायची, तीन से चार लौंग, एक बड़ी इलायची। थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देते हैं। दो मिनट तक कीमा को प्याज में फ्राई कर देंगे। साथ ही हमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे चार टेबलस्पून। सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है एक टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, दो टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। सारे मसालों को मैंने कीमा में डाल दिया है। मसालों में कीमा को हम भून लेते हैं करीब 30 से 40 सेकेंड तक। अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी देर चलाना है और इसमें डाल देना है पानी। तो पानी मैंने लिया है एक गिलास के करीब। कवर करके छोड़ देंगे जब तक ये गल ना जाए। हम इसमें मटर भी डालेंगे, तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। गोभी को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम वॉश कर लेते हैं। एक बर्तन में हम डालेंगे नमक और पानी और अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। साफ करने के बाद ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें मटर डाल देंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और कीमा में शामिल कर देंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। एक टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर डालकर इसे भून लेना है अच्छी तरह से। 5 मिनट भूनने के बाद हमें इसमें शामिल करना है फूल गोभी और मटर जो मैंने फ्राई किया था। ये देखिए मैंने फूल गोभी और मटर डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ज़्यादा नहीं बस एक कप पानी डालकर हमें इसे कवर कर देना है ताकि हमारा फूल गोभी जो है वो गल जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गलाना है। साथ ही हमें टमाटर और हरा धनिया भी ऐड कर देना है। कुछ सेकेंड के लिए हमें इसे कवर कर देना है। तो देखा आपने कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।